देढ़ माड़े आहत हेले भाई बोहू बालियापाल थाना पंचुपाली पंचायत कालसिमुली गांव आसी एमती एक सांघातिक अभियोग अभियोग अनुजाई कालसिमुली गांव रश्मिरेखा बेहरा और तांको जा अंजना सीमेंट खुंटी को केन्द्र कर बचसा होता एत्षिप्त हो अंजना और रश्मिरेखा माड़ मारी तेज पाटितुंड शुणी देढ़सुर और झियारी सेठे पहुंचे किंतु से घटना को समाधान करने परे रश्मिरेखा गाड़गुलज करने सहित माड़ मारी जो रश्मिरेखा मुंड फाटी जाता रक्ताक्त अवस्था उद्धार कर मेडिकल निने से बालियापाल थाना लिखित अभियोग कर स्वामी बाहर रोचान तेणु जीवन प्रति विपद से थाना अभियोग कर बालियापाल पुलिस तदंत कर पदक्षेप ने सूचना मिली मो स्वामी गोटे पाहिया आनते आईन मो जा झगड़ा कले मो देशर आसिक भी झगड़ा कले आतीवाद कर मत नुआ रोड रे ये स्त्री गोटे बर्तन धरते सेन माड़ मारे आउे झील दौड़ी दौड़ी आसी गोटे लुहा रोड आ मथार पिटिले से मो देशर जी सी छड़ी नहीं कि मो मथार तीन चार थर पिटिले आो तंटी माड़ी धरले आो देशर मो जा का छड़ी आसबारु से छाड़ीदे बालेश्वर थी बालेश्वर आस मो स्त्री को हस्पिटाल मुझ भेटिली तार थाना को आसिक अभियोग कर मो स्त्री को न्याय से चाहे कि मो स्त्री के सब शासन रखु मो स्त्री किसी न कहूता एम सब मारपीट कर झील गोटे बाहरी आमर कालसिमुल पंचपाल पंचायत आनंद मल्लिक घर को सान भाई बाहरी आनंद बेहरा घर को सान है बाहरी कि सीए तर कौन घर कथबार्ता नहीं मुझे से झील को पिटा मारा कर मुंड फुंड फटिदे साढ़े एगारटा बेले घर को शुणला जाचिन गोटे चारटा बेले पहुँचला झीवर पिस्थित कई भी डाक्तर कथित नहीं ना मुड़ी माड़ी शुचे मुझे चल मु हस्पिटा नहीं जीपर पुलिस कथित नहीं जीवी दाबी कौन रखुच्च मो झी को पिटिले बारंबार पिटुं ए बाबद मुझे थोड़े विचार करते जा कथा को किसी ना कि समाधान हो तेरह तारीख बाकी रखिंट समाधान आम गोटे करदे कि आज से भाया आड़े माड़गुल आरंभ कले।